वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 23 जून 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो कि सेबी के बारे में है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो सेबी के चेयरमैन होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, सेबी किसी भी कंपनी को कंपेल कर सकती है कि वो अपने शेयर्स को एक या फिर अधिक सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्ट करवाएं। तीसरा स्टेटमेंट, ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी के मार्केट को रेगुलेट करती है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सोचिए अपना जवाब। अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जनरल अंडरस्टैंडिंग भी लगा सकते हैं। देखिए, क्या आपने कभी सुना कि सेबी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए? क्या ऐसी कभी कोई बात आई? ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑटोनॉमी रिक्वायर्ड होती है। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से तो चीज़ें खराब ही होती हैं, लेकिन जिस प्रकार से जुडिशरी या कैग की इंडिपेंडेंस पर स्ट्रेस दिया जाता है, वैसे सेबी के इंडिपेंडेंस की बात ज़्यादा नहीं आती। तो अगर उनके चेयरमैन का नॉमिनेशन यूनियन गवर्नमेंट कर रही है तो कोई इशू नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट आप जनरल अंडरस्टैंडिंग से करेक्ट कर सकते हैं। अब अगर सेबी को शेयर मार्केट को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है तो ये अधिकार स्वाभाविक तौर से उनको मिलना चाहिए कि कुछ अगर बड़ी कंपनीज हैं, जायंट्स कंपनीज हैं, तो वो उन्हें कंपेल कर सकें कि वो सिक्योरिटी एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करें। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपको करेक्ट मिलेगा। सेबी जो है उसे एक कानून के तहत बनाया गया है, तो ये एक नॉन स्टैचुरी बॉडी नहीं है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट निकलेगा। जो सही जवाब आपको मिलेगा दैट विल बी ए, ओनली वन एंड टू। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये एक स्टैचुरी बॉडी है जो कि सेबी एक्ट ऑफ 1992 के तहत एग्जिस्टेंस में आई। इनफॉर्मल वे में तो 1988 में ही से तैयार कर लिया गया था, बट जो उसका स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चेयरमैन यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दो मेंबर्स यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं, एक मेंबर आरबीआई से होते हैं और बाकी के जो 5 मेंबर्स होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और यूजुअली जो उनका टर्म होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये बताना है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि इसे 2001 में बनाया गया था और उस समय इसका जो पूर्ववर्ती है वो है संघाई 5 मैकेनिज्म। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये 8 मेंबर बॉडी है और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर स्टेट था। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो हेड ऑफ स्टेट काउंसिल यानी कि HSC होता है, ये इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है SCO की। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट और कौन सा इनकरेक्ट है, सोचने का प्रयास करिए। चलिए बात करते हैं। देखिए 2001 में इस बॉडी को बनाया गया था, ये सच है, और शुरू में इसे संघाई 5 मैकेनिज्म के फॉर्म में ही तैयार किया गया था। 8 मेंबर्स इसके वर्तमान में हैं, ये सच है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर चाइना डोमिनेटेड ये इनिशिएटिव है तो शुरू किया गया होगा तो शुरू में ही इंडिया को इसकी मेंबरशिप दे दी गई होगी? आप यहाँ पर एक वाइल्ड गेस लगा सकते हैं कि चाइना इंडिया को फाउंडिंग मेंबरशिप के लिए हो सकता है इन्वाइट ना करे, स्वाभाविक सी बात है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। अदर पाकिस्तान के साथ इंडिया को भी 2017 में इसकी मेंबरशिप दी गई। और ये तो सही है कि हेड ऑफ स्टेट काउंसिल इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो सही जवाब आपको जो मिलेगा दैट विल बी 1 एंड 3, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। सेकंड स्टेटमेंट इसीलिए करेक्ट है क्योंकि इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर SJYSHANKAR अभी हाल ही में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। SCO एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में इसे बनाया गया था। HSC इसकी हाईएस्ट बॉडी है। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो बीजिंग में है। इसमें देखिए 2 परमानेंट बॉडीज़ होती हैं, एक तो इसका सेक्रेटेरिएट और दूसरा इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि रैट्स के नाम से जानी जाती है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये ताशकंद में है। वर्तमान में इसके मेंबर इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। 4 कंट्रीज़ को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया है, 2 अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। SCO की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन और चाइनीज़ है। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये टेम्पल बागमती नदी के दोनों साइड स्ट्रेच करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि केवल हिंदूज को ही यहाँ पर अलाउ किया जाता है और इसे 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। सोचिए
बताइए, क्या आपने कभी पशुपति टेम्पल के बारे में कुछ पढ़ा है? अगर आपने अपना जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बागमती रिवर के दोनों तरफ स्ट्रेच करता है। दूसरे स्टेटमेंट में आपको एक डाउट हो सकता होगा कि ओनली हिंदूज विल बी अलाउड, क्या ऐसा होगा? देखिए, स्वभावतः ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई हिंदू टेम्पल है, दैट टू अगर वो नेपाल में है, तो वहाँ पर वो ऐसा प्रावधान कर सकते हैं कि हिंदू टेम्पल है तो केवल हिंदुओं को ही जाने दिया जाए। तो ये दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये भी आपको करेक्ट ही मिलेगा। सो आंसर विल बी सी, बोथ वन एंड टू। हाल ही में एक MOU साइन किया गया, जिसके तहत एक नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप है, उसी के तहत ये MOU साइन हुआ कि वहाँ पर एक सैनिटेशन फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट असिस्ट करेगी पशुपतिनाथ टेम्पल में, जो कि काठमांडू में है। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2.33 करोड़ का होगा। इम्प्लीमेंट किया जाएगा काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के द्वारा, और 15 महीनों में इसे कंप्लीट भी करना है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड ये टेम्पल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा भी दिया गया था यूनेस्को के द्वारा 1979 में। अगला स्टेटमेंट गाजा स्ट्रिप के बारे में है, अगला क्वेश्चन गाजा स्ट्रिप के बारे में है, जो कि एक स्मॉल बूट शेप टेरिटरी है मेडिटेरेनियन कोस्ट के पास में, किन दो देशों के बीच में है, आपसे पूछा गया है। ये रीजन काफ़ी फेवरेट है UPSC का, अक्सर वो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो वो मेडिटेरेनियन सी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या आसपास की लोकेशन से। इसराइल और जॉर्डन के बीच में है, लेबनान और जॉर्डन के बीच में है, सीरिया और इजिप्त के बीच में है, इजिप्त या इसराइल के बीच में है, इजिप्त और इसराइल के बीच में। तो बताइए, सही जवाब बताइए, पिक्चराइज करने का प्रयास करिए गाजा स्ट्रिप को, कहाँ है ये? अगर आप पिक्चराइज कर पा रहे हो, आंसर सोच लिया है आपने, अगर आप गाजा स्ट्रिप के लिए इसराइल को पिक्चराइज कर पा रहे हैं, तो यू कैन फाइंड आउट कि ये इसराइल के बिल्कुल साउथ के एरिया में है, और उसके साउथ में आपको इजिप्त भी मिलेगा। तो इसराइल तो ऑब्वियसली होगा, अगर आपने गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बारे में कुछ भी सुना है, तो इसराइल तो मिलेगा ही आपको। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको इजिप्त भी मिलेगा, मैप में देख सकते हैं आप इसे। यहाँ पे सबसे पहले ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर मैं ये मार्क कर रहा हूँ, इसराइल तो ये पूरा है ही, और यहाँ साउथ में आपको इजिप्त मिलेगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये इसराइल या इजिप्त दोनों में से किसी के इस समय कब्जे में नहीं है, या फिर यूँ कह लीजिए उनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। रदर यहाँ पे हमास नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप रूल कर रहा है 2007 से ही, और वो अक्सर इसराइल के ऊपर हमले किया करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो हैं, उन्होंने इसराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की कि वेस्ट बैंक को किस प्रकार से इसराइल एनेक्स कर पाएगा। वेस्ट बैंक की लोकेशन यहाँ मैप में देखिए, ये वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक के बारे में कुछ बातें जानिए, जॉर्डन नदी के वेस्ट में ये सिचुएटेड है, जो हमारा गोवा स्टेट है उसका आधा साइज का है ये। 1948 में जब अरब इसराइल वॉर हुआ था, तो जॉर्डन ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1967 में जब एक बार सिक्स डे वॉर हुआ अरब कंट्रीज़ के बीच में इसराइल के बीच में, तो एक बार फिर से एक बड़े हिस्से को इसराइल ने अपने कब्जे में ले लिया। ये एक लैंड लॉक्ड टेरिटरी है, ईस्ट में आपको जॉर्डन मिलेगा और साउथ वेस्ट और नॉर्थ में इसराइल मिलेगा। ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1990s में इसराइली गवर्नमेंट और पैलेस्टीनियन लिबरेशन आर्मी PLO के बीच में, जिसके बाद वेस्ट बैंक का कुछ हिस्सा अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के पास भी है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन समर्थ ERP के बारे में है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही तरीके से डिफाइन करता है समर्थ ERP को। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को उनके एग्जामिनेशन सेंटर को और उनकी वर्तमान की लोकेशन से एग्जामिनेशन सेंटर की डिस्टेंस को लोकेट करने में हेल्प करता है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर सिक्योर स्केलेबल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन है, जो कि यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हाई वैल्यू और टेक्निकल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट को फार्मर्स के डोर स्टेप तक उनके घर तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। चौथा जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर एक व्यक्ति लोकल गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक की सभी सर्विसेज एक्सेस कर पाएगा और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज भी एक्सेस कर पाएगा। तो बताइए, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है, कौन सा ऑप्शन आपको चुनना है, सोचिए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया है, लेट मी टेल यू, अब देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर लोकेट करने के लिए तो ऑब्वियसली कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, आप सिंपली गूगल में भी उसे लोकेट कर सकते हैं, तो इसे तो काट ही दीजिए आप। अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो लोकल बॉडी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की सभी की सर्विसेज एक बार में दे, ये बहुत बल्कि काम होगा, ये कोई प्लेटफॉर्म कर पाएगा, मुश्किल लगता है, तो इसे भी काट दीजिए। कुछ बातें तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब इन्हीं दोनों में से आपको चुनना है कि क्या ऐसा ये कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, या तो ये खेल 50-50 का आ गया। तो सही जवाब अगर आपने सोचा है, तो ये है सही जवाब इसका। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कुछ बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएंगे और स्टूडेंट्स भी उसे एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, तो इसका इस्तेमाल हायर एजुकेशन में किया जाएगा समर्थ ERP का। और इसका देखिए जो फुल फॉर्म है यहाँ पर,
वो ये है, ईआरपी यहाँ पर स्टैंड करता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर। समर्थ तो समर्थ है ही, यहाँ पे फैकल्टी स्टूडेंट और जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, ये उनको हेल्प करेगा कि वो स्टूडेंट को हेल्प कर पाएँ उनकी एजुकेशन में, ठीक है। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस प्रोवाइड करवाएगा इंस्टीट्यूशंस को और जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी है उसे बेहतर करेगा। अगला क्वेश्चन मेलाथियन के बारे में है, जो कि कई बार न्यूज़ में देखा गया, आपसे पूछा जा रहा है क्या है ये, क्या ये एक एस्टेरॉयड है जो कि वीनस के ऑर्बिट में सन को सर्कल करता है, घूमता रहता है। ये फिश की एक स्पीसीज है जो केवल डीप वाटर में ही पाई जाती है। ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे आने वाले इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है। ये न्यूली डेवलप्ड रोबोट है जो कोरोना वायरस पेशेंट को टेक केयर करेगा। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सोचिए सही जवाब सोच लिया है। अच्छा चलिए एक हिंट देता हूँ, हाल फिलहाल में कुछ इंसेक्ट्स ने काफ़ी हमला किया था, काफ़ी दूर दूर तक हमला हुआ था, याद आ रहा है? बिल्कुल वही जवाब है, ये एक इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर क्रॉप्स को हार्म करने वाले इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है। टिड्डियों का हमला हुआ था हाल फिलहाल में ईरान पाकिस्तान और भारत के ऊपर, तो ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है उसे मारने के लिए। इंडिया ने 25 टन मेलाथियन सप्लाई किया ईरान को ताकि वो डिजर्ट लोकस्ट मीनेस को हैंडल कर सके। अगला क्वेश्चन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि ये एकमात्र ऐसा कन्वेंशन है जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के आउटकम से निकला हुआ है, उनकी रिकमेंडेशन से निकला हुआ है, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था सीबीडी का। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि एकमात्र इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। अब यहाँ पे आपको ओनली से खतरा महसूस हो रहा होगा कि दोनों में ओनली है, तो संभावना होगा कि दो के दोनों ही गलत हों। अब देखिए आप अपना जवाब सोच लीजिए, आपने अपना जवाब सोच लिया तो मैं बताता हूँ कि ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट ओनली के बावजूद करेक्ट है, और जो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है भी वो ओनली की वजह से इनकरेक्ट नहीं है, रेदर ये सीबीडी की वजह से इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एजेंडा 21 जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके आउटकम से निकला एकमात्र कन्वेंशन है, जो सीसीडी है कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये सीबीडी का आउटकम नहीं है। सीबीडी तो खुद ही अर्थ समिट का या रियो 92 का पार्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ओनली की वजह से नहीं, सीबीडी की वजह से, और दूसरा करेक्ट है, डेजर्टिफिकेशन पे एकमात्र लीगली बाइंडिंग ये फ्रेमवर्क है, तो सही जवाब मिलेगा ओनली टू इज करेक्ट। एजेंडा 21 का एकमात्र ये आउटकम आपको मिलेगा, ये एकमात्र इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कि डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। जब अर्थ समिट होती है तो उसके बाद एजेंडा 21 तैयार किया जाता है और उसके आउटकम के तौर पे हमें ये कन्वेंशन 1994 में देखने को मिलता है। इंडिया की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि फर्स्ट असेसमेंट क्लाइमेट चेंज का इंडियन रीजन पर हुआ, इसे किसने पब्लिश किया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। बताइए, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग में होगा तो बता पाएंगे, सही जवाब सोच लिया तो मैं बताता हूँ, बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इन्होंने अभी पूरा असेसमेंट किया इंडिया के क्लाइमेट चेंज का, इससे हमें मदद मिलेगी अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करने में, और जो प्रोजेक्शन हुआ वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे की मदद से हुआ, उन्होंने ही इसका मॉडल डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन रिवर पर पूछा गया है, साउथ अमेरिका की मैपिंग का क्वेश्चन था, हमारा पार्ट था जो आपको तैयार करना था। क्वेश्चन ये बोलता है कि अमेजन रिवर बेसिन, जो अमेजन रिवर बेसिन है वो कई सारे देशों में फैला हुआ है, इन चारों में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर वो नहीं फैला हुआ है। आपके पास ऑप्शंस हैं कोलंबिया, पेरू, गुयाना और चिली, चुनिए सही जवाब, पिक्चराइज करिए अमेजन रिवर बेसिन को, केवल रिवर को नहीं उसके पूरे बेसिन को, बेसिन वो एरिया होता है जहां से पानी आता है रिवर में। सही जवाब है डी, चिली। चिली काफ़ी साउथ में पड़ जाता है और अमेजन रिवर बेसिन जो है वो काफ़ी नॉर्थ में आपको मिलेगा, यहाँ मैप में देखिए ये सारे देश हैं जहाँ पर इसका बेसिन फैला हुआ है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना, जबकि जो चिली मिलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, मतलब इसके साउथ में मिलेगा, तो वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नदन मोस्ट रिवर कौन सी है साउथ अमेरिका की, ओरिनोको, पराना, साओ फ्रांसिस्को या फिर मडेरिया, बताइए, सोच लिया, पिक्चराइज हो रहा है, ओरिनोको सही जवाब है ए। यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकती है ओरिनोको और मडेरिया में, क्योंकि दोनों ही आपको नॉर्थ में दिखते हैं, लेकिन अगर आप इनका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ओरिनोको है वो ज़्यादा नॉर्थ में है, गिरेंगे तो ऊपर ही जाके नॉर्थ में सारे, लेकिन यहाँ पर जो आपको सबसे नॉर्थ में मिलेगा वो ओरिनोको मिलेगा। तो ये तो हमारा मैपिंग का
जो दो क्वेश्चन थे मैपिंग के वो हमने यहाँ पे कवर किए। ये कोर्सेज हैं जो ओनली आईएएस पे अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड प्रिलिम्स प्रोग्राम जो डीपीपी है वो 29 जून से स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही बढ़िया कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है, पूरे साल की विद प्लानिंग तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शनल्स पीएसआईआर और सोशियोलॉजी अवेलेबल हैं, और अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए जो कल के मैपिंग का पार्ट होगा उसमें एक तो आपको साउथ अमेरिका की लोकल विंड्स तैयार कर लेनी है और दूसरा आपको डेजर्ट्स तैयार कर लेने हैं। अच्छा, एक आपका कंसर्न होता है कि इंडिया का जो मैप है वो करवा दीजिए, तो इंडिया का मैप भी करवाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम के पहले, मतलब इस बार का जो प्रीलिम्स होगा उसके पहले ही सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, वर्ल्ड मैप भी कवर हो जाएगा, इंडिया का भी कवर हो जाएगा, तो उसके लिए आप कंसर्न मत फील करिए। अभी जो हम वर्ल्ड मैप में कुछ कुछ चीज़ें कवर कर रहे हैं वो करते चलिए, इंडिया का भी नंबर आएगा और वो भी कवर हो जाएगा। तो लोकल विंड्स और डेजर्ट्स तैयार रखिएगा और अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस सेशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।